ये रोड है, कहाँ गया? ये रोड बनाए हो? ये रोड है? रोड बना रखे हो? तुम ही हो ना? इसी तरह काम होता है? उत्तर प्रदेश की योगी सरकार प्रदेश को चमकाने के लिए लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, लेकिन उनकी मेहनत और पैसों पर अधिकारी और ठेकेदार पलीता लगाने का काम कर रहे हैं। दरअसल गाजीपुर के जखनिया विधानसभा क्षेत्र में सड़कें भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रही है, जहां अधिकारियों की मिलीभगत से ठेकेदार घटिया सामग्री का इस्तेमाल कर सड़क का निर्माण करा दे रहे हैं, जिसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जो जीरो टॉलरेंस की बात करने वालों के दिन के उजाले में ही कलई खोल रही है। ये रोड है? कहाँ गया? सामने। ये रोड बनाए हो? बाजार बना रखे हो? ये रोड है? रोड बना रखे हो? ये ठेकेदार तुम ही हो ना? हाँ, इसी तरह काम होता है? यही काम होता है? ये सरकार में ये काम है। इसमें गाड़ी चलेगी। ठेकेदार साहब सड़क का निर्माण तो करा चुके हैं, लेकिन शायद उन्हें ये नहीं पता था कि उनकी ओर से बनाई गई सड़क गिनती के 5 दिन में ही उखड़कर किनारे हो जाएगी। कुछ ऐसा ही देखने को मिला जब भारतीय सुहेलदेव समाज पार्टी जखनिया से विधायक बेदीराम 5 दिन पहले बनी सड़क की जांच करने पहुंच गए। फिर क्या था, विधायक ने जैसे ही सड़क पर पैर मारी, सड़क की गिट्टी उखड़कर अपनी कहानी बयां करने लगी। बता दें कि विभाग के निर्माण की पूरी कहानी जंगीरपुर बहरियाबाद मार्ग पर स्थित यूसुफपुर संपर्क मार्ग की है, जिसे पीडब्ल्यूडी विभाग की ओर से करीब 4.5 किलोमीटर सड़क का निर्माण कराया गया, जो करीब 5 दिन पहले बनी है, और उसकी शिकायत विधायक को लोगों ने की थी, और उसी शिकायत पर विधायक खुद सड़क पर पहुंचे। और जब सड़क पर पहुंचे और पैर से सड़क को रगड़ना शुरू किया, तो सड़क ने अपनी औकात दिखाने शुरू कर दी, यानी कि सड़क में लगाई गई गिट्टी उखड़ने लगी, जिसके बाद विधायक का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया और वो मौके पर खड़े ठेकेदार को खरी खोटी सुनाने लगे। ये रोड बनाए हो? बाजार बना रखे हो? ये रोड है? रोड बना रखे हो? ये ठेकेदार तुम ही हो ना? हाँ, इसी तरह काम होता है? यही काम होता है? ये काम है। इसमें गाड़ी चलेगी। विधायक बेदीराम ने बताया कि जनता दर्शन के माध्यम से सड़क के घटिया निर्माण की जानकारी हुई और वो जब सड़क की जांच करने पहुंचे तो उसकी हकीकत खुल गई। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार मुक्त कार्य की बात करते हैं, लेकिन भ्रष्टाचार कहीं कम नहीं होता दिख रहा। के दौरान उन्होंने विधानसभा में कहा था कि जो भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाए, मतलब भ्रष्टाचार समाप्त करने का, भ्रष्टाचार किसी विभाग में नहीं होना चाहिए। ये मुख्यमंत्री के माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश थे। तो कल गांव वालों ने मुझे एक सूचना दिया कि यहाँ एक रोड बन रही है, जो जंगीपुर बहरियाबाद रोड है, उसी से लगा हुआ ईसुपुर संपर्क मार्ग, उसी में 4.5 किलोमीटर बन रहा है और 1 किलोमीटर लगभग काम समाप्त हो चुका है, और काम का जो क्वालिटी है उसके अनुसार नहीं बनाई जा रही है, जो मानक है उसके अनुसार नहीं बनाया जा रहा है। विधायक जी, आप आके चेक कर लीजिए। मैं जब वहाँ पहुँचा तो मैंने देखा कि जो रोड है वो मानक के अनुसार बिल्कुल नहीं थी। सवाल कई खड़े हो रहे हैं कि आखिर यूपी में योगी सरकार के लाख दावों के बाद भी भ्रष्टाचार पर लगाम क्यों नहीं लग पा रहा। साथ ही सवाल ये भी कि सिर्फ ठेकेदारों पर गुस्सा होने से मामले का हल हो जाएगा या फिर लापरवाह अधिकारियों पर कोई कार्रवाई होगी, और अगर होगी तो कब। पंजाब केसरी के लिए गाजीपुर से अनिल कुमार की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।